हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुजीता किचन में। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी पकौड़े की रेसिपी लाए हैं, जिसे हम बनाएंगे कटहल और चावल से। बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ते में बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को करते हैं बनाना स्टार्ट। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कटहल लिया है। कटहल को हमने बड़े पीसेस में कट करके और इसे अच्छे से धो लिया है। कटहल को हम स्टीम कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और हमने यहाँ पर लिया है चावल। चावल को हमने अच्छे से भिगो दिया है ताकि हमारे चावल अच्छे से फूल जाएं। और अब हमारा चावल अच्छे से फूल गया है, तो चलिए अब हम इसे मिक्सी जार में अच्छे से इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कटहल को स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोने में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके ऊपर छेद वाली थाली रखेंगे। अब हम थाली के अंदर सारे कटहल को डाल देंगे। थाली में हमने सारे कटहल को डाल दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टीम कर लेंगे और इसे बीच बीच में चेक करते रहें। जब तक हमारे कटहल स्टीम हो रहे, तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं चावल का पेस्ट। तो हमने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल डालकर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। चावल का पेस्ट बनकर तैयार है और अब हमारे कटहल को भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा कटहल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल में हमने चावल का पेस्ट लिया है। चावल के पेस्ट से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे पकौड़े बनते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं। एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश किया हुआ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, दो चुटकी हींग, स्वाद के अनुसार नमक। अब हम सारे मसालों को पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के पेस्ट में हमने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है और अब हमारा कटहल भी अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज का पेस्ट, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा पकौड़ा। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से ज़्यादा ही कम रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक। अच्छे से हम सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरीके से कटहल में मसाले डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इससे आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे मसालों को अच्छे से कटहल में मिक्स कर लेंगे। हमने मसालों को कटहल में अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मसाला वाला कटहल ले लिया है और इस तरीके से हम चावल के बैटर में अच्छे से डिप करके और इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। तो इस तरीके हमें सारे कटहल को बैटर में अच्छे से डिप करना है और इसे गर्मा गर्म तेल में डालना है। अब हम पकौड़े को मीडियम फ्लेम पर एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक और बाहर से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। कटहल एक साइड से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसे दूसरी साइड से पलट कर इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। कटहल दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें थोड़ा उलट पलट कर और भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटहल को हमने उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। गर्मा गर्म कटे
दाल और चावल के पकौड़े जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट बाहर से बहुत ही ज्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ते में बहुत ही मजे से खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारे कटहल के चावल के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।